हेलो एवरीवन, जय हिंद। हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं सुपर कंडक्टर क्या होता है। सुपर कंडक्टर क्या है? एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया कि कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जैसा कि टीन है, लेड है, कि हम देखते हैं कि जब इनका टेम्परेचर लो करते रहते हैं तो इनका रेजिस्टेंस भी बहुत तेज़ी से लो होने लगता है। और कैसे लो होता है? टर्मेंडिसली लो होता है। टर्मेंडेसिली का मतलब आपको पता है क्या है? मतलब बहुत बहुत तेज़ी से। अगर ये एक यूनिट में डिक्रीजमेंट हुआ तो इसका 10-15-20 यूनिट डिक्रीज हो जाएगा। इसका 2 यूनिट हुआ तो इसका 50-60 यूनिट हो जाएगा। टर्मेंडेसिली बहुत विशाल, बहुत रैंडम, मतलब बहुत तीव्रता से इसका डिक्रीजमेंट हो जाता है अगर टेम्परेचर लो करते हैं तो। अगर हम सुपर कंडक्टर किसी मटेरियल को बनाना चाह रहे हैं तो यही तो हमारा एम है कि उसका रेजिस्टेंस 0 हो जाए। तो किसी मटेरियल का टेम्परेचर लो करते 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 अप्रॉक्सीमेटली जब हम एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर हों ऐसे मटेरियल, तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जिनका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अब जिस मटेरियल का एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, ऐसे मटेरियल को हम सुपर कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टर बोलते हैं। या जो मटेरियल रेजिस्टेंस ऑफर्ड ही ना करें उस मटेरियल को हम लोग सुपर कंडक्टर बोलेंगे। ये भी बात याद रखना, ठीक है? तो ऐसे मटेरियल को हम सुपर कंडक्टर मटेरियल बोलेंगे। और याद रखना, 0 रेजिस्टेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 रेजिस्टेंस होना चाहिए। अब एक बात बताना कि अगर हम कंडक्टिविटी देखें ऐसे मटेरियल की, कंडक्टिविटी देखें, तो कंडक्टिविटी को हम लोग किससे लिख रहे थे? सिग्मा से लिख रहे थे और 1/ρ लिख रहे थे। और रो इज इक्वल टू होता है RA/L। तो रजिस्टेंस हम कह रहे हैं 0 है A/L, तो रजिस्टिविटी भी क्या हो गई? 0 हो गई। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/0 रखो, सिग्मा इज इक्वल टू क्या मिल गया? इन्फिनिटी मिल गया। तो सुपर कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होती है। तो कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होती है सुपर कंडक्टर का। किसका होता है? सुपर कंडक्टर का। तो सुपर कंडक्टर मटेरियल का रेजिस्टेंस 0 होता है, कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होता है। कंडक्टिविटी क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। अब एक बात बताना मेरे बेटे, कि सुपर कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसका रेजिस्टेंस 0 है और कंडक्टिविटी इनफाइनाइट है। अब यहाँ पर अगर किसी चार्ज को फ्लो करना है, एक चार्ज को फ्लो करना है इस एंड से इस एंड तक, तो क्या पोटेंशियल की ज़रूरत है? पोटेंशियल की ज़रूरत ही नहीं है। बगैर किसी पोटेंशियल डिफरेंस के ही चार्ज फ्लो कर जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस 0 है। ऑफर करने वाला जो अट्रैक्शन है वो 0 है, यानी देयर आर नो नीड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एंड दैट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी। याद रखना, कंडक्टिविटी करें वो सुपर कंडक्टर्स, तो दैट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। ऐसे ऑब्जेक्ट को सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए, चार्ज को फ्लो होने के लिए किसी पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत ही ना पड़े। आर इक्वल टू 0 हो, कंडक्टिविटी इन्फिनिटी हो, तो ऐसे मटेरियल को हम सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं। याद रखना, ठीक है? सुपर कंडक्टर की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे कि अ सुपर कंडक्टर इज अ सब्सटेंस ऑफ 0 रेजिस्टेंस। और हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि इनफाइनाइट कंडक्टेंस एट अ वेरी लो टेम्परेचर। अगर एग्जांपल की बात करें तो क्या एग्जांपल ले सकते हैं? तो हम अगर मरकरी लें एग्जांपल के तौर पर तो हम ये देखते हैं कि बिलो 4.2 केल्विन पर हम ये देखते हैं कि ये सुपर कंडक्टर लाइक बिहेव करता है। लाइक बिहेव हो जाता है इसका। और अगर यहीं पर मरकरी की जगह पर हम लेड देखें
तो लेड बिलो किसके नीचे टेम्परेचर इसका देख रहे हैं, इसका 7.25 केल्विन के बिलो देख रहे हैं, तो इसका भी बिहेव सुपर कंडक्टर के तरीके हो जाता है। नियोबियम एक मटेरियल है, अगर उसके लिए देखें तो 9.2 केल्विन पर इसका सुपर कंडक्टर लाइक बिहेव हो जाता है, इसका सुपर कंडक्टर लाइक बिहेव हो जाता है। यानी कि सुपर कंडक्टर और नॉट, मतलब ऐसा तो इतना कम टेम्परेचर। अब आपको मैं बता दूं कि अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेते हो तो 1+273, अब ये कैल्विन में हुआ। अब एक बात बताना, 274 कैल्विन 0 सेल्सियस पर आप देखते हो तो 273 कैल्विन टेम्परेचर होता है, 273 कैल्विन टेम्परेचर होता है 0 सेल्सियस पर, जबकि बर्फ़ बन जाता है इसमें, पानी वाटर जो होता है वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है। अब एक बात बताना, 9 केल्विन का मतलब आप समझ रहे हो कि क्या हो रहा है यहाँ पर। 9 केल्विन का मतलब -2 कुछ चला जाएगा, क्या हो जाएगा देखो, मतलब मैं कह रहा हूँ कि सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड में क्या हो जाता है, +273 ऐड होता है, 273 ऐड होता है इसमें, 273 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है कि 273 ऐड होता है तो जाके कैल्विन बनता है। अब सेल्सियस यानी 0 -273 करोगे ना तो 0 कैल्विन बनेगा, याद रखना। अब 0 कैल्विन बनेगा तो अब ये लगभग इसमें 273 में से 9 माइनस कर दो, 9 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 13 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -264 सेल्सियस पर 9 कैल्विन आएगा। अब आप बताओ कि इतना इतना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, 0 पर तो पानी बर्फ़ बन जा रहा है, ऐसा मटेरियल किसी के हाथ पे रख दो ना तो उसका हाथ ही कट के गिर जाएगा, इतना मतलब टेम्परेचर पर कोई मटेरियल सुपर कंडक्टर बन रहा है। उसका नाम अगर नियोबियम है तो ठीक है, नियोबियम मटेरियल इतने पर बन रहा है, तो ये है सुपर कंडक्टर की कुछ मतलब एडवांटेज भी कह सकते हो, डिसएडवांटेज भी कह सकते हो, ठीक है। तो सुपर कंडक्टर आर नॉट कॉमन यूज सिंस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, याद रखना। बहुत कॉमनली हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं या अचीव नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट है अचीव करना इस कंडीशन को, क्योंकि -264 कैल्विन या 9 डिग्री सेंटीग्रेड या 9 कैल्विन है, तो इसको अचीव करना, इस टेम्परेचर को अचीव करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। हाउएवर दे कैन बी वेरी यूजफुल इफ़ इट इज़ द पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल हो गया तो बहुत ही कह सकते हैं कि यूजफुल है अपने लिए, रूम टेम्परेचर पर अगर कहीं ये पॉसिबल हो गया तब तो और बड़ा कह सकते हैं यूजफुल है ये, रूम टेम्परेचर पर अगर हो गया तो बहुत बड़ा यूजफुल है। हम ये कह सकते हैं कि साइज़ ऑफ कंप्यूटर, आने वाले टाइम में अगर ये पॉसिबल हो गया तो साइज़ ऑफ कंप्यूटर हम इतना रिड्यूस कर सकते हैं, इतना रिड्यूस कर सकते हैं कि लगभग एक कंप्यूटर फ्यू सेंटीमीटर में ही आ सकता है, फ्यू सेंटीमीटर में ही आ सकता है। एंड पावर ट्रांसमिशन भी, लाइन भी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी ईजी हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, कैरी करना आसान हो जाएगा, समझ गए ना बात आप। कुड देन द मेड एज द थिन एज द सिंगल वायर, और जो पावर ट्रांसमिशन में 10 वायर लगते हैं ना, 10 वायर की जगह पर एक ही वायर लगेगा, बहुत हाई रेट से रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, हाई रेट से करंट फ्लो होगा, पूरा का पूरा एनर्जी का लॉस कुछ रहेगा ही नहीं, तो हाई टेंशन वायर, इन सब चीज़ों में सुपर कंडक्टर के आने की वजह से क्रांति आ जाएगी, बहुत आने वाली जीवन कह सकते हैं कि बहुत फास्ट हो जाएगा, बहुत छोटी सी चीज़ों में बहुत बड़ी चीज़ की इंफॉर्मेशन को रख सकते हो आप। तो दीज आर ओवरऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सुपर कंडक्टर। बस हम लोग आज के लेक्चर में यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे न्यूमेरिकल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।